हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए। जब हमारी नींद अच्छी होती नहीं है तो दूसरे दिन काम में मन लगता नहीं है, काम करने के समय नींद सी लगती रहती है, फ्रेश नहीं लगता, उत्साह नहीं रहता काम में, और कुछ भी करना बोझ लगता है। नींद अच्छी नहीं आना ये मानसिक बीमारी का लक्षण होता है। रोज यदि आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह को या शाम को 30 से 40 मिनट, तो वो नींद के लिए बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज करना। फिर समय जो है नींद का, वो समय एक स्पेसिफिक समय होना जरूरी है और 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। और समझो नींद आती नहीं है तो फिर उस समय आप किताब पढ़ते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ते हैं, कोई कविता है, कोई कहानी है, सारी सारी, तो वो किताब से अच्छी नींद आ सकती है और फिर किताब पढ़ के आप सो सकते हो। नींद के पहले टीवी देखने का नहीं, कोई हॉरर मूवी नहीं, या मोबाइल के ऊपर खेलने का नहीं है, कंप्यूटर के ऊपर खेलने का नहीं है। सोने के पहले यदि आप स्नान करके सोते हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तो वो नींद के लिए अच्छा होता है। दूध पी के, बादाम डाल के दूध पीते हैं तो उससे भी अच्छी नींद आती है। कम से कम 3 घंटा पहले आपका भोजन होना जरूरी है। मतलब आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे के पहले आपका खान पान होना चाहिए, उसके बाद में खान पान नहीं होना चाहिए, और खाना भी रात का जो है वो हल्का फुल्का होना चाहिए। कोई भी टेंशन वाली बातें करके, मतलब किससे झंझट करके, झगड़ा करके, डिबेट करके, ऐसा करके बेड के ऊपर जाने का नहीं। आपको अच्छा लगता है आप जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।